एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय चौराहे के पास प्रशासन द्वारा संचालित बस स्टैंड पार्किंग का निरीक्षण किया गया। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि स्टैंड के ठेकेदार को निर्देशित किया गया है कि स्टैंड के आसपास किसी भी प्रकार के जाम की स्थिति न हो तथा सभी कार्य पर लगे कर्मचारियों के पास आईडी कार्ड होना आवश्यक है तथा बस स्टैंड पर मूलभूत सुविधाएं दें एवं रेट लिस्ट का बोर्ड लगवाएं तथा यातायात नियमों का पालन करें। अगर कोई बिना रसीद पर्ची के निर्धारित दर से ज्यादा शुल्क लेता है तो उसके ऊपर सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ कैन श्याम देवबिंद, कैन प्रभारी एवं यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, कोई भी आपत्ति आज मेरे द्वारा एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ कैंट और इंस्पेक्टर कैंट के साथ जो है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ऑफिस के बगल में खाली पड़ी जमीन वाले पार्किंग एरिया का निरीक्षण किया गया और संचालक ठेकेदार को बताया गया कि आपके सहयोग करने वाले कर्मचारी जो है वो सभी आई कार्ड धारण करें और सभी गाड़ियों को व्यवस्थित तरीके से अंदर पार्किंग एरिया में लगाएं और वहां पे बेसिक सुविधाएं डेवलप करें और सड़क पर गाड़ियों को पार्किंग ना होने दें, सड़क पर गाड़ियों के लिए पार्किंग ना होने दें और गाड़ियों से अंदर ही पार्किंग शुल्क वसूल करें। नियमानुसार जो आपको शर्तें दी गई उन सभी शर्तों का पालन करें। शर्तों का पालन ना करने की स्थिति में आपके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और जो कर्मचारी आपके लगे उनकी सूची उपलब्ध कराएं।